व्हाट्स अप गाइस, तो क्या हाल चाल? तो गाइस यार, मैं उस साइड से तो इधर आ गया, लेकिन इस साइड से उस साइड अब कैसे जाऊंगा जूता पहन के? ओहो, तो मैं फंस गया। चलो, तो अभी मैं जिस जगह पे कैंपिंग करने आया हूँ, इस जगह पे मैं पहले भी कैंपिंग कर चुका हूँ, लेकिन जब मैं पिछले बार आया था तो ये पानी अभी इतना कम है ना, लेकिन जब मैं पिछले बार आया था उस वक्त पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा था, पूरा गंदा पानी था, क्योंकि बारिश का अभी भी टाइम है बारिश का, लेकिन अभी बारिश 3-4 दिनों से हुई नहीं है, जिसके कारण पानी बहुत कम है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो पूरा पानी जो भी गिरता है वो मतलब आप समझो तो 2 से 3 घंटे में पानी पूरा कम हो जाता है, ठीक ना। तो अभी इस जगह पर चलिए कैंप पिच करते हैं, और फिलहाल के लिए अभी ओ केक कहाँ गया? तो गाइस यार, अभी मैं इसे ढकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि धूप कुछ ज़्यादा ही है और इससे गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगा, तो अभी फिलहाल के लिए इसे साइड में रख देता हूँ। गाइस यार, सबसे दिक्कत की बात है, यह स्टिक है ना टूट गया है, पिछले कैंपिंग में ही टूट गया था जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था। आप पिछला वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें यार इतना भयानक गिरा हूँ ना बाइक से, आप ये चेक करो, हाथों में लग गया, यहाँ पे लगा था, बाकी हटाओ सर, आप चाहो तो चेक कर सकते हो वीडियो। फिलहाल के लिए मैं स्टिक को कोशिश करता हूँ, मैं दो लोग रहोगे ना तो आप आसानी से टूट गया स्टिक, फिर भी मैं सेट कर सकता हूँ, क्योंकि इसे डंडी में घुसाना है और लगा देना है, क्योंकि वो लास्ट वाला स्टिक है ना तो लग जाएगा, लेकिन देखता हूँ लगा के रहूँगा ऐसा। गाइस यार, तो अब मैं केक खाता हूँ, एक पीस खा भी लिया। ये 10 रुपये वाला केक ना मज़ा आ जाता है खाने में, 10 या 5 वाला दोनों, बाकी जो क्रीम वाला रहता है ना पीला पीला वाइट वाइट क्रीम, मज़ा नहीं आता, आता इससे कम। हे गाइस, तो अभी यहाँ पे मैं कैंप पिच करके केक उप खा के जूता फिर से पहन लिया, और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ थोड़ा सा आगे के लिए, जंगल को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी ना मैं इसी जंगल में बुशक्राफ्ट शेल्टर बनाया था, तो वहाँ जाके मैं चेक करता हूँ कि वो जितने मैंने लकड़ी काटा था वो अभी तक है या फिर कोई ले गया, ठीक ना। अभी मैं आगे चलता हूँ, बाकी मैं रास्ता थोड़ा भटक रहा हूँ, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, बाकी ये रास्ता ना बड़ा ऊंचा नीचा होगा, मुझे पता है, जंगल में देख रहे हो कितने सारे चिटिया हैं, उसे हम बोलते हैं चुटा, चिटिया इससे छोटे वाले होते हैं, देख रहे हो ये सैड सैड नदी गया है, जिस नदी पास मैंने कैंप पिच किया है। अभी आगे मैं चलता हूँ, और यहाँ से रोड की दूरी ना अप्रोक्स 1 किलोमीटर है, जिसके कारण हाईवे पार क्रॉस करता है रोड पे, तो वो सब का आवाज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ से मैं उतर जाता हूँ, बाकी हमें जूता भिंगाना नहीं है, तो इसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, आगे से करता हूँ ट्राई। अगर आगे भी मुझे पानी मिलता है तो मैं इसके आगे नहीं जाऊँगा, मैं जूता गीला करने के लिए तैयार हूँ, और मैं जूता गीला करके ही जाऊँगा, कोई बात नहीं भाई, काटे
ये देखो ये रास्ता नीचे की ओर जा रही है, तो मैं इस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते चलता हूँ। लेकिन यहाँ हाँ यहाँ पे मुझे मस्त मिला है एकदम यार, एक नंबर। यहाँ से मैं आसानी से यहाँ पे उछल के पार कर सकता हूँ, मैं पार हो चुका हूँ। बाकी मैं इस रास्ते से निकल गया और ये हुई ना बात। गाइस यार अभी ना कुछ आता पता नहीं चल रहा कि हमने बुशक्राफ्ट कहाँ बनाया था। मैं और मेरा भाई या भाई उसने, हमने दोनों मिल के बनाया था, तो कुछ पता नहीं चल रहा। क्योंकि उस टाइम ना गर्मी के दिनों में पतझड़ का टाइम रहता है, तो पूरा जंगल साफ दिखता है। अभी तो एकदम घना सा दिखने लगा है जंगल, मतलब लग ही नहीं रहा कि हम इस जंगल में कभी पहले भी आ चुके हैं। गाइस यार फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे मैंने बुशक्राफ्ट किया था। मुझे एकदम सही से मैं याद कर सकता हूँ, इस रास्ते से हम बाइक लेके आते थे यहाँ तक, इस रास्ते से हम बाइक लेके आते थे। लेकिन इसके सिवा मैंने एक और बुशक्राफ्ट किया था, उस जगह को मैं ढूंढता हूँ, वो भी इधर ही था, अब पता नहीं कहाँ था। हाँ वहाँ पे दिख गया भाई, इतने घने नहीं थे यार उस समय, पूरे जंगल में तो मैं बाइक चला सकता था आसानी से। यहाँ पे हाँ देख सकते हो, हमने ये देखो ये हम ही लोग का किया धरा है, ये सारे हम लोग का ही। ये देखो आप देख सकते हो काटी देखो आप, हमने ही ठोका है ताकि हम बुशक्राफ्ट, मतलब काटी ठोक के हम इससे सहायता लिए थे बुशक्राफ्ट बनाने के दौरान। बाकी जितने सारे लकड़ियाँ थी ना वो आसपास के लोग लेके चले गए हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बचा ही नहीं है कुछ, सिर्फ एक ठोए वाला बचा हुआ है। अब मैं दूसरे रास्ते से चलने की कोशिश करता हूँ। गाइस यार ये ना जगह मस्त है यार, कैंपिंग के लिए एक नंबर है एकदम। बस बारिश नहीं होना चाहिए, अगर बारिश हुई ना तो फिर आप कहीं का नहीं रहोगे, सीधा डायरेक्ट ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये सब नदी में ना बारिश जब आता है ना, पहाड़ों से ऊपर से पानी इतना तेज़ गति में कि आप खुद को रोक नहीं पाओगे, टाइम नहीं मिलेगा आपके पास, आप सीधे डायरेक्ट इस नदी से उस नदी में, उस नदी से उस नदी में चले जाओगे। तो यार मैं आपको सही से दिखाता हूँ लोकेशन कितना मस्त है। ये आप देखो यार दोनों साइड ऊंचाई इस साइड से, और यहाँ पे आप टेंट पिच कर सकते हो आसानी से। और ये पानी यार यही तो चाहिए हमें, बस पानी मिल जाए और टेंट लगाने की जगह मिल जाए, फिर तो हम आसानी से कैंप कर सकते हैं। अब हमें टेंशन है अपना जूता गीला होने का, तो मैं जगह को कैसे क्रॉस करूँ आगे से। भाई उतना भी मैं चिता नहीं हूँ कि मैं इतना लांघ जाऊँगा, और लांघने से भी क्या फ़ायदा, आगे जाके तो लेट ही जाएगा। तो एक उपाय करते हैं, आगे से मैं जाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इधर ना मेरा जूता गीला होने के साथ साथ लेट भी सकता है, तो यहाँ से मैं करता हूँ एक बार ट्राई। ये देख लो हाँ मिल गया यहाँ से यहाँ, ये देखो मस्त जगह है, और यहाँ से यहाँ भाई बड़ा आसानी से आ गया। चलो अब हमें एक बार और क्रॉस करना है, वहाँ क्या होता है। हे गाइस तो अब सूप बनाते हैं, क्योंकि शाम हो चला है, और सूप पीने से ना एक अलग ही एनर्जी आता है, और आज ना बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो हम बनाने वाले हैं ना उसके साथ पीने वाला भी चीज़ है, ठीक ना। मैं दिख रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, तो ये सूप डाल देते हैं अब। इसका पिछले बार में लिया था ना सूप, वो पीने में बहुत मज़ा आता था, इसका स्वाद उतना अच्छा लगता है या नहीं मुझे पता नहीं,
भाई साहब मैं सूप इसमें डाला, उसमें कैमरा चालू नहीं था, कोई बात नहीं। तो आप सूप चेक करो यार, इसमें ना हरे हरे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि धनिया पत्ता है। स्वाद इसका भी अच्छा है, मतलब बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं बोलूँगा, फिर भी परफेक्ट है। ठीक है, पता नहीं मैं क्या क्या बोल दिया। चलो पीते हैं गर्मा गर्म सूप। पीने का मौसम है नहीं, लेकिन मेरे पास सूप था और कोई दूसरा चारा है नहीं, तो अभी सूप ही पीता हूँ। चाय भी बनाता गर्म है, और एक चीज़ है तो अभी उसे मैं निकालना नहीं चाहता, क्योंकि फिर गैस निकल जाएगा उसका ना। फिर हम चिल्ड बियर तो पीते हैं, ख़त्म करते हैं, फिर रात को आपसे मिलते हैं। हे गाइस, तो अपना लाइट सेटअप कंप्लीट। एक लाइट यहाँ, ये के जो टेंट के अंदर जलाने वाला, मतलब नाइट लाइट के रूप में। तो जल्दी से चॉपिंग करते हैं एकदम, क्योंकि भूख लग चली है और अभी फ़िलहाल अंधेरा हो चला है। मतलब टाइम कितना हुआ मुझे नहीं पता, टाइम से क्या मतलब, अपना रात है, आराम से करना है। तो आज बनाने वाले हैं बड़ा ही मस्त चीज़, खाने में मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं। टमाटर, एक गया सरसों तेल, एक गया मिर्चा, डाल देता हूँ गाजर भी, क्योंकि गाजर भी ना सीझने में टाइम लगता है। अब प्याज जल जाएगा तो गाजर सीझ नहीं पाएगा, और साथ में इसे भी डाल देता हूँ कैप्सिकम को। भाई साहब, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा मसाला डाल देता हूँ, हल्दी पाउडर जैसे, कश्मीरी मिर्च, एक या धनिया पाउडर, गाइस। तो रोल बना रहा हूँ अभी, और थोड़ा सा आटा गीला हो गया है, देखो देखो सटेगा। और मैं कोई बटर या कुछ, मतलब रिफाइन उफाइन तेल उल कुछ लाया नहीं, रिफाइन तेल होता है ना, और ये जब सरसों तेल डालूँगा ना तो पूरा पिल्ला पिल्ला रोटी हो जाता है।
थोड़ा सा नमक नमक नमक, रोटी ना जल जाए भैया। बस बस बस, हाँ बस इतना ही काफ़ी है। और इसे नमक को मिला देना है और रोटी को देना है कलर। हाँ ए भाई साहब, थोड़ा सा मतलब शुरुआत है ना, रोल कभी बनाया नहीं है, एकाधा बनाया हूँ लेकिन सही से उतना मज़ा ठेला जैसा। अब सीखूंगा, ठेला पे खाने जाऊंगा ना तो सीख लूँगा सही से नहीं पकाने के लिए। कौन बोलेगा खराब है, यार रोल बन गया, मसाला कंप्लीटेड। और अब यार इतना सारा मैं बना लिया ना, पता नहीं दलिदर बन गया हूँ आजकल। उस समय ना सोचा कि कम हो जाएगा, उसी तरह आटा ज़्यादा सना गया क्योंकि गिल्ला हो गया था, जिसके कारण देख सकते हो 4 रोल बना है। मैं खा पाऊँगा कितना, मुश्किल से 2, अगर बहुत कोशिश करूँगा तो 3, एक तो बचना कन्फर्म है। तो इसे मसाला लगाते हैं इसमें मज़े से, थोड़ा सा सॉस डाल देता हूँ। ये चिल्ली सॉस, नींबू भी लाना भूल गया यार मैं जल्दी में ना। सोलो कैंपिंग में यही दिक्कत होता है, कभी ये चीज़ भूलोगे कभी वो चीज़ भूलोगे, और 2 लोग रहने के बाद ना कोई टेंशन नहीं रहता। एक नंबर, बस थोड़ा सा ना, बस थोड़ा सा रोटी ना मोटा हो गया है, जो सच्चाई है वो आपको बता रहे हैं। और ख़ास करके ये वाला, इसमें डबल अंडा डाला हूँ, तो खाते हैं आराम से। वाह, आज मैं फर्स्ट टाइम कैंपिंग में लाया हूँ कोल्ड ड्रिंक। यार पूरा चिल्ड में लाया था, बर्फ़ था उस समय। अब इसके साथ मज़ा लेता हूँ। वाह, हे गाइस, तो रात के 9 बज गए हैं यार, और अकेला रहने के बाद ना काम जल्दी जल्दी सारा निपट जाता है। यही ग्रुप में भी रहता ना, तो 1 बजे के पहले कंप्लीट होने वाला नहीं था,